अगर बात स्वर्ग की जाए तो खुद ब खुद हमारे मन में एक बड़ी ही सुंदर छवि बन जाती है। बात स्वर्ग की हो और अप्सरा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज हम आपको स्वर्ग की ही एक अप्सरा, इंद्र की एक अप्सरा के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा के बारे में कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं। वैसे तो इंद्र की बहुत सी अप्सराएं थी, लेकिन उन्हीं में से एक अप्सरा थी जिनका नाम था तिलोत्तमा। और इनका नाम इनके अद्भुत सौंदर्य की वजह से पड़ा था। कहते हैं इस अद्भुत सौंदर्य वाली अप्सरा के जन्म के पीछे बड़ी ही रोचक कथा है। जी हाँ, पुराणों के अनुसार अगर आपको हम बताएं तो इस अप्सरा के जन्म को लेकर दो घटनाओं का जिक्र किया जाता है कि क्यों तिलोत्तमा का जन्म हुआ। ये दो कहानियाँ एक जगह आकर मिल जाती है और वहाँ लक्ष्य पूरा हो जाता है जिसके लिए इसका जन्म हुआ था। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा में से एक है और हमारे पुराणों में तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा का कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। वहीं शास्त्रों में तिलोत्तमा के बारे में ये कहा गया है कि तिलोत्तमा की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने तिल तिल भर संसार की सुंदरता को इसमें समाहित कर दिया था, इसलिए इनका नाम तिलोत्तमा पड़ा और ब्रह्मा के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ था। इसी के साथ दुर्वासा ऋषि के श्राप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी और माघ के महीने में यह सौर गंड के साथ सूर्य के रथ पर रहती थी। दूसरी मान्यता ये है तिलोत्तमा को लेकर कि अश्विन मास में अन्य सात सौर गण के साथ सूर्य के रथ की मालकिन के रूप में रहती थी। बता दें आपको, अष्टावक्र द्वारा भी इसे शाप दिया गया था। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था जिसके सुंद उपसुंद नाम के दो पुत्र हुए। विश्व विजय की इच्छा से सुंद और उपसुंद विंध्याचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब इन दोनों ने अमृत का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देने से मना कर दिया। इसी के साथ उस समय दोनों भाइयों ने सोचा कि उनमें तो आपसी प्रेम बहुत अधिक है और वो कभी भी आपस में लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वरदान मांगा कि एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में उन्हें किसी से मृत्यु का भय ना हो। वरदान प्राप्त होने के बाद सुंद और उपसुंद के अत्याचारों से संसार त्रस्त अस्त व्यस्त होने लगा। तब इन दोनों भाइयों के अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य सुंदरी की रचना के लिए निवेदन किया। वहीं विश्वकर्मा जी ने तीनों लोकों की तिल तिल भर सुंदरता लेकर एक बहुत ही अद्भुत सुंदरी नारी का स्वरूप तैयार किया। सुंद उपसुंद तिलोत्तमा के रूप सौंदर्य को देखते ही उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के हाथों मारे गए। सौंदर्य के अभिमान में एक बार तिलोत्तमा ने महर्षि विश्वामित्र का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें असुर बन जाने का श्राप दिया। इस श्राप से वो वाणासुर की पुत्री उषा हुई। उषा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन को पसंद करने लगी और एक रात उन्हें सोते हुए से उठाकर अपने महल ले आई। उसके बाद
प्रद्युमन के साथ उनका विवाह हुआ। तो ये थी इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा के बारे में कुछ रोचक बातें जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आती रिपोर्ट।